Just now I met a fellow YouTuber who is from Korea. Hi. हेलो गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ग्रेट डे. वेलकम बैक टू द चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड. मेरा नाम है शिखर और अभी हूँ मैं प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है. आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत बढ़िया लग रही होगी. अभी हूँ मैं करंटली प्राग में विंसेंसन स्क्वायर पे, जो कि मेन सेंट्रल एरिया है, मेन सेंट्रल मार्केट है. और आज हम लोग का प्लान ऐसा है कि आज हम लोग का लास्ट डे है प्राग में, तो हम बची हुई सारी लोकेशन कवर करने वाले हैं. तो गाइज, वीडियो के साथ बने रहना, इट्स गोना बी अमेजिंग. तो हमारी आज फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है डांसिंग बिल्डिंग. फॉर दैट वी गोना टेक ट्रैम एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट आर डे पास. तो हमारा 24 घंटे तक टिकट वैलिड है, सो वी कैन बोर्ड एनी ट्रैम, बस और एनी थिंग हेयर. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड गाइज. तो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट. आई होप आप लोग को ये पूरी सीरीज़, यूरोप की पूरी सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी. अगर आप चैनल पे नए हो गाइज, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन. वी आर पोस्टिंग व्लॉग्स एवरी डे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं. एंड बिना किसी देरी के, दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द जर्नी. आई गेस हमारी ट्रेन आ चुकी है, द ट्रैम हैज़ कम. तो बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ. दिस इज द ट्रैम. And now we are heading to Dancing House. That is our first destination. Stay tuned, guys. मिलता हूँ मैं आपको सीधे Dancing House पे. So, guys, finally we arrive at the Dancing House, and this is the exclusive view of the Dancing House. और अगर आपने, आई एम श्योर कि ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग है प्राग की, जो आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ज़रूर देखी होगी. और इसका नाम फ्रेड एंड जिंजर भी कहा जाता है. इट वॉज स्टार्टेड बिल्डिंग इन 1992 एंड गॉट कम्प्लीटेड इन 1996. तो बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है. अगर आप प्राग आ रहे हो तो मेक श्योर यू विजिट दिस बिल्डिंग, बिकॉज इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो बहुत ही यूनिक है गाइज. यार, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ऐसा लग रहा है दैट Someone is dancing on the floor. और just next to the river, इसके दूसरी तरफ आप देखोगे river है, and वो पीछे वहाँ पे the old castle है. तो यार, I guess बहुत ही awesome place है यार. क्या building है यार, कसम से आ रहे हो तो मन खुश हो जाएगा आपका ये building देख कर. It seems like कि someone is dancing on the floor और वो lean हो रखा है. तो काफ़ी यूनिक है यार. अगर मैं यही कहूँगा कि यू आर कमिंग टू पराग, तो मेक श्योर कि एक बार आप ज़रूर आओ यहाँ और इस बिल्डिंग को देख के जाओ. सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में है. अमेजिंग. एट टॉप आई कैन सी वन बार एज वेल. बिल्डिंग के नीचे ये मक्खी है. तो एक बार मैं सोच रहा हूँ यार गाइस कि अंदर से भी देख ही आऊँ कि बिल्डिंग में क्या है. तो आई गेस अंदर एक कैफ़े है एंड देयर आर फ्यू शॉप्स हेयर. So this is inside the building, nothing much special. अंदर से तो normal है, जैसे एक normal building होती है. They have some cafes, a showroom I guess here, and there are few locker rooms. और इधर I guess art का कोई designs का एक showroom है. So that's it, nothing much special here. At the top of the building they have a bar. So जो खूबसूरती है दोस्तों बिल्डिंग की, वो बाहर से ही देखने में एक यूनिक आर्किटेक्चर है. आपको दुनिया में कमी जगह मिलेंगी जहाँ पे इस तरीके का आर्किटेक्चर है. तो दैट बीइंग सेड, बढ़ता हूँ मैं आगे और मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. सो गाइस, फाइनली वी अराइव एट द सेकंड डेस्टिनेशन ऑफ टुडे, दैट इज द नेशनल थिएटर ऑफ प्राग. And as you all know that Prague is famous for opera and theater. तो बहुत ही एक iconic जगह है ये Prague की, जो कि initially start हुई थी, open हुई थी 1881 में, और उसके बाद थोड़े time के लिए बंद करके इसको reopen किया गया था 1883 में. और guys, इसके जो architect हैं उनका नाम है Jan Muchna. I may be pronunciation मेरा हो सकता है गलत हो. तो इसका जो architect थे उनका नाम था Jan Muchna. And this is the most important Czech cultural institution. तो बहुत ही एक heritage building है guys.
अगर आप परा आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको भी ज़रूर चेकआउट करो। इसके अंदर जाने के लिए टिकट है, अभी इसके टिकट अराउंड 10 से 12 यूरो का इसका टिकट है, बट अभी इसका टिकट का टाइम विजिटिंग आवर्स बंद हो चुके हैं, तो आज तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, बट आई कैन शो यू फ्रॉम आउटसाइड। व्हाट एन अमेजिंग बिल्डिंग गाइज, आप इसके टॉप पे देख पाओगे वहाँ पे हॉर्सेस बने हुए हैं, बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है गाइज। जस्ट नेक्स्ट टू द रिवर बना हुआ है ये, आप इसी लाइन में आगे जाते जाओगे जहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट आज की लोकेशन जो कवर करी थी, डांसिंग हाउस भी इसी के आगे ही जाकर है, तो आप चलते चलते यहाँ तक आ जाओ। दिस इज द नेशनल थिएटर, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो बढ़ता हूँ मैं आगे दोस्तों, और मिलता हूँ आप लोगों को व्लॉग में आगे। सो गाइज, आफ्टर विजिटिंग द थिएटर नाउ वी फाइनली अराइव एट द मेन ब्रिज, और आप व्यू देख पा रहे होगे, शाम का समय है, कितना ही सुंदर व्यू है, बर्ड्स बैठी हुई हैं वहाँ पे, छोटे छोटे शिप्स चल रहे हैं, और आप पीछे देख पाओगे दैट इज़ द मेन कैसल, द ओल्ड कैसल ऑफ पराग। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यार मैंने सोचा एक बार आपको ये जगह दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मैं कहूँगा नीट एंड क्लीन भी है ये जगह, और अपने आप में यार आना सफल हो गया यार, लिटरली गाइज पराग आना सफल हो गया यार, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। स्टे ट्यून गाइज, अभी सरप्राइज होने वाला है थर्ड लोकेशन, मिलता हूँ वहीं पे आप लोगों को। So guys, finally I arrive at the iconic bridge of Para, that is the main bridge, जो एक तरीके से ओल्ड कैसल की तरफ रास्ता आपको लेके जाता है, और आप देख पाओगे कितना बड़ा गेट है गाइज, इट्स सच अ बिग गेट। जगह बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, इट्स वेरी क्राउडेड टुडे। सो द थिंग इज, परा इज मोस्टली लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, तो ऑल सीजन ही हमेशा क्राउडेड मिलेगा आपको ये जगह, बिकॉज दिस इज़ द मेन सेंट्रल एरिया दैट कनेक्ट्स द होल सिटी, बिकॉज रिवर जा रही है बीच में से, और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है आप देख पाओगे फ्रॉम ऑल दीज स्टैचूज। सो गाइज, आई जस्ट केम टू नो कि आप इस टावर में ऊपर भी जा सकते हो, सो नाउ आई एम थिंकिंग टू टेक अ टिकट एंड गो अप। तो चलते हैं इस टावर के ऊपर, आई हैव टू फिगर आउट फ्रॉम वेयर आई नीड टू टेक द टिकट्स, सो बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी रीच अप, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू वी नीड टू हैव द टिकट। सो द एंट्रेंस इज फ्रॉम हेयर, सो टावर के बीच में बहुत छोटी सी जगह है, आई कुडंट फिगर इट आउट, सो दिस इज द एंट्रेंस, सो आई टेक go from here. They said me that we have to take the ticket from first floor, so let's see. Floor to aa hi nahi raha aur main upar badhta chala ja raha hu. So my friends are already up, to wo pahunch gaye the, I'll buy a ticket for myself and let's see how the view is from above. I need one ticket. Okay. Yeah. One adult? Yes. Okay. It's 150. Do you accept cards? Yes. Yeah. So you get the pay. Okay. Thank you so much. Where is the way from here? Go to Dubai stairs. Okay. Thank you. So I got the ticket for 150 krona. So 150 krona ka ticket hai. Aur upar aap ja sakte ho.
व्यू का मजा ले सकते हैं ऊपर जाके। So guys, finally we arrive at the top of the tower, and from here you can see the most beautiful city in Eastern Europe. Just look at the view, guys. It's so amazing. Wow. Bhai, literally maza aa gaya mere ko yaar yahan pe itne top tak aakar. Absolutely. I'm amazed ki kitna sundar view ho sakta hai, guys. Literally awesome, guys, awesome. Wow. Aur I guess mere dost यहीं पे होने चाहिए। सो प्रखर भैया, कैसा लग रहा है आके? अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वो देखो गाइज, ये था ब्रिज एंड दैट इज द मेन अदर पार्ट ऑफ द सिटी, ओल्ड सिटी। या बट दैट इज द ओल्ड कैसल, राइट, दैट यू कैन सी राइट बिहाइंड। सो व्हाट अ व्यू गाइज, एब्सोल्युटली वर्थ इट। आना सक्सेसफुल था टावर के ऊपर, सो नाइस। सो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अब अगली डेस्टिनेशन पे। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे बहुत मज़ा आया होगा ऊपर टावर पे जाके। तो व्यू यार गाइस, मैं तो मेस्मराइज था यार, मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब इट वॉज लिटरली वर्थ इट इसका टिकट लेना। और जो व्यू, जो शाम का गोल्डन आवर था, एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस, क्रेजी। तो अब आ गया हूँ मैं ब्रिज पे और आप देख पा रहे हो आर्टिस्टिक लोग, आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। वाओ, सो गाइज फाइनली वी आर हियर एट द ब्रिज। शाम का समय है और आप देख पाओगे कि कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। एंड जस्ट नाउ आई मेट अ फेलो यूट्यूबर हु इज फ्रॉम कोरिया। सो व्हाट्स योर चैनल नेम? ऑक्टोबर फिल्म। सो आई एम गोना सब्सक्राइब टू हर चैनल राइट अवे। बहुत ही अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू से दैट आई फील वेरी नाइस व्हेन आई मीट फेलो यूट्यूबर्स and like we share that same love for creation and content creation, so nice. So yeah. I feel very nice when I meet people. Yeah. So hi. Yeah. Yay. What's your name? My name is Shikhar and my channel name is Bald and Beyond. Bald and Beyond. Yeah. Oh, nice. Yeah. Now nice. Subscribe to. Definitely, I'm gonna subscribe to your channel, and you should subscribe to my channel as well. Yeah. Sure. So wow. I'm so happy to meet people. Yeah. And that's the beauty of traveling, you know, you meet so many people. You enjoy the culture, you know. Yeah. Literally, traveling opens up your mind. Oh, yeah, nice. Nice. So have you met the YouTuber when you're traveling? Not in Prague. Not in Prague. You're like you're first fellow YouTuber. Yeah, I'm your friend. But for me, you're the first. For me also, you're the first. In traveling. In traveling, no, I have met a lot of YouTubers. I never met YouTuber. Oh, okay. Yeah. nice to meet you too. Yeah. So guys, I hope आप लोग को आज बहुत मज़ा आया होगा। हमारी पूरी जर्नी आज यहीं ख़त्म होती है। चैनल के साथ बने रहो यार, अगर आप नए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और यही करता हूँ मैं आज का व्लॉग एंड। एंड वेन यू आर इन यूरोप बियर के साथ हम आज ये व्लॉग ख़त्म करते हैं एक अच्छे से कैफ़े में। तो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।